हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक कॉलोनियल इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ये है आपका BHIC 134 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे हम, ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपली, मोनोपली वर्सेज फ्री ट्रेड हम देखेंगे, नेचर ऑफ कंपनीज ट्रेड, मर्केंटाइल बिजनेस वर्सेज पॉलिटिकल पावर, है ना, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड कंपनीज मर्केंटाइल पॉलिसीज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। तो ये सारे टॉपिक हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट इसमें से मैं इसको चैप्टर को दो पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट वन है इस चैप्टर का, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरिंग फील ना हो, ठीक है, और बेटर तरीके से आप समझ और याद रख सकें चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कोई प्राइवेट कंपनी तो थी नहीं, है ना, सॉरी प्रोपराइटर कंपनी तो थी नहीं कि हाँ कोई एक सिंगल ओनर था उसका, वो ही सारा डिसाइड करता था, ऐसा तो था नहीं, है ना। हम सब जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है, पहले बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, डायरेक्टर्स डिसीजन लेते थे, तो इसका मतलब तो साफ था कि वो सिंगल ओनर तो था ही नहीं उसमें कोई, है ना। तो ये कैसी कंपनी थी, तो ये ऐसी कंपनी थी जिसमें बहुत सारे ओनर्स थे, और इसको बोलते थे हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। अब आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलोगे सर होती क्या है, स्टॉक कंपनीज आज भी देखो आप जो आप स्टॉक मार्केट होती है ना, वहाँ पे कंपनियाँ पैसा कैसे अपने लिए जोड़ती हैं, वो क्या करती हैं अपने शेयर को आपको बेच देती हैं, है ना, कि हाँ आप ये शेयर खरीद लो, मेरा 1000 रुपये का एक शेयर है, 5000 का, तो जितनी बड़ी कंपनी कोई 100 रुपये का शेयर बेच रही है, 200 रुपये का शेयर बेच रही है, अपने हिसाब से कंपनी मार्केट में उतारती है और आपको शेयर देती है, उसके बदले में आपसे पैसा ले लेती है ना, ये करती है। तो उस जमाने में भी ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज थी, सोच के देखो उतने साल पहले 1600 में, है ना। तो इसलिए इसका फायदा क्या था भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, अब देखो क्या था कि उस जमाने में इंडिया इतनी दूर हुआ करता था कि यहाँ आने के लिए महीनों लग जाते थे, है ना, फिर ऊपर से समुद्री यात्रा इतनी सेफ नहीं थी, जहाज डूब जाया करते थे आए दिन, सारा माल डूब जाता था, मर जाते थे लोग, है ना, और ऊपर से अनसर्टेनिटी कि आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो जहाँ पता नहीं है कि पैसा कहीं वहाँ लेके गए और लुट गए तो पैसा भी नहीं आएगा आपका, तो बहुत सारे फैक्टर थे। तो कोई भी एक सिंगल प्रोपराइटर पैसा लगाना नहीं चाहेगा ऐसी चीज़ में, है ना, सब चाहेंगे कि अभी कम से कम हम अपना पैसा इंश्योर लगा सकें। तो इस वजह से एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनी ताकि बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ और वो सब रिस्क लेने को तैयार थे, और ऊपर से ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, वो छोटे टर्म में नहीं करती, जैसे प्रोपराइटर वगैरह होगा तो वो कुछ सालों के लिए खोलेगा, लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो है वो सेंचुरीज के लिए खुलती है ना, बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए खुलती है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज चाहे तो फटाक से अपना पैसा भी ला सकती है, इन्वेस्टमेंट अगर कमी की जरूरत, तो कभी अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए ऑल ऑफ अ सडन, है ना, तो ये जो होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज ये पैसा को मूव भी करा सकते हैं ना, वो कई सारी कंपनीज उनकी होती है जहाँ से फायदा होता है वहाँ से पैसा निकाल करके इसमें डाल देंगे, है ना, या फिर यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उठा करके यहाँ का पैसा ले करके वो कहीं और डालेंगे, तो इसमें लिबर्टी बड़ी ज़्यादा रहती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में, इस चलते ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ कंपनी। ठीक, अब देखो इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही थी कंपनी, अब ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ यही एक कंपनी आना चाहती होगी, बहुत सारी कंपनी आना चाहती होंगी, लेकिन उसको किसी को आने नहीं दिया गया। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जा रही है और उसमें सब पैसा लगा रहे हैं, है ना, और ऊपर से जो पैसा लगाने वाले थे वो लोग बहुत रिच थे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, राजा महाराजाओं के साथ था, वहाँ के इंग्लैंड के राजा वगैरह के साथ उठना बैठना था उनका, तो वो एक तरीके से होल्ड रखना चाहते थे अपने पास, है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता फिर बाद में नई नई पॉलिसीज आई, है ना, तो चेंजेस भी आए इस कंपनी में, और आपका हम देखते हैं कि 1708 में एक नई कंपनी बनती है, बिल्कुल न्यू यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें बहुत सारे स्मॉल शेयर होल्डर भी थे। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में जो बनी थी उसमें खाली वेल्दी लोग थे, ठीक
ठीक है। लेकिन 1708 में जो कंपनी बनी उसमें बहुत सारे स्मॉल शेयर होल्डर भी आ गए। तो लेकिन इसका नाम इतना बड़ा था, जैसे न्यू यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया, लेकिन इन्होंने ये नाम यूज़ नहीं करके पुराना ही नाम चलने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव राइट है कि आप ही करोगे ये चीज़। जैसे मार्केट में आपकी मोनोपोली चल रही है, मतलब सिर्फ आप ही ये बनाते हो और बेचते हो, और कोई नहीं बना ना बना सकता है ना बेचने दोगे आप, ना बेच सकता है। उस चीज़ को आप कहते हो मोनोपोली। तो ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली किस चीज़ में थी? इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। इंडिया और इंडियन ओशन में जो और भी कंट्रीज थी उनमें प्लस चाइना में, वहाँ पे उनको मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो भी किसने? सिर्फ इंग्लैंड की कंपनियों के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि बाहर की कंपनियों के लिए, फ्रांस की कंपनी को थोड़ी मना कर सकते थे, वो जर्मनी की कंपनी को थोड़ी मना कर सकते थे। सिर्फ इंग्लैंड की कंपनियों को कि तुम नहीं ट्रेडिंग कर सकते, सिर्फ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करना है, वो भी पर्टिकुलर आइटम्स में, है ना। फॉर एग्जांपल जो जो आइटम में ईस्ट इंडिया कंपनी डील करती थी, आप उस चीज़ में नहीं डील कर सकते हो, आप किसी और चीज़ में डील करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कई चीज़ों पर उसका एक्सक्लूसिव राइट है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, रेलवेज है ना, पेट्रोलियम वगैरह है, कोयलाई खदानें वगैरह है, तो गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव राइट है अपने पास, है ना। गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट नहीं देती किसी को, अपने पास रखा हुआ गवर्नमेंट इतने समय से, है ना। तो ये राइट किसने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था, ठीक। और बाकी मोनार्कों ने भी इसको इंडोर्स किया बाद में, है ना, 17th-18th सेंचुरी में। अब इसके पीछे दो चीजें बोली जाती है कि क्यों ऐसा किया गया था। एक स्कूल ऑफ कुछ लोग बोलते हैं कि मर्केंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए ट्रेड अब्रॉड टू ब्रिंग होम वेल्थ फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, है ना। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की था और जल्दी लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते थे, तो अगर स्टेट ही कहे कि हाँ, गवर्नमेंट ही कहे कि हाँ नहीं नहीं आप इसमें इन्वेस्ट करो, हम प्रोटेक्शन लेते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है लोग लगा देंगे पैसा, है ना। लेकिन इसमें मोनोपोली इसलिए भी हो गई क्योंकि जो इन्वेस्टर थे, है ना, वेल्दी इन्वेस्टर, उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मोनार्क के साथ, है ना, इसलिए भी माना जाता है कि मोनोपोली मिली। लेकिन दूसरा तरफ ये था कि देखो, हाँ, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, तो इस वजह से इनको मोनोपोली दे दी गई। अब लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ मोनोपोली दी तो हमेशा के लिए मोनोपोली चलती रही, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आए, अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे चेंजेस आए इसमें, और मोनोपोली राइट्स थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी हुए। और इसी के पैरेलली उन्होंने क्या किया, फ्रेंच और डच कंपनियों, फ्रेंच ने भी अपनी कंपनी बनाई ट्रेडिंग की कंपनी ईस्ट इंडिया के साथ, उसका नाम भी था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और डच ने भी बनाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये लोगों भी मोनोपोली लेके इंडिया आए थे, ठीक है, अपने मोनोपोली लेके इंडिया पहुंच गए थे, जैसे इंग्लिश गवर्नमेंट ने दे रखा था अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को। मोनोपोली वर्सेस फ्री ट्रेड, अब देखो क्या हुआ, एक तरफ तो कंपनी अपना लेके ही आई थी, है ना, कि मोनोपोली का चार्टर लेकर के कि हाँ इंडिया में मोनोपोली हमारी रहेगी, हम करेंगे। लेकिन चक्कर क्या होने लग गया ना कि उस जमाने में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरी इतनी हाई होती नहीं थी, ठीक है। अब उनको दिखता था प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, हैं, यहाँ से जो सामान जा रहा है उसको लेकर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं अपना प्राइवेट ट्रेड चालू कर दिया उन लोगों ने, है ना। प्राइवेट ट्रेड चालू कर दिया तो किया, कोई बात नहीं, लेकिन वो करते क्या थे, गलत काम करते थे। इंडिया में जो ड्यूटी देनी पड़ती थी उससे बचने के लिए वो दस्तक का गलत यूज़ करने लग गए, है ना। वो दिखाते थे कि ये गवर्नमेंट का माल है, लेकिन वो गवर्नमेंट का तो होता नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो उनका प्राइवेट होता था। और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्जेम्पशन दे रखा था यहाँ के एम्पायर ने कि हाँ दस्तक नहीं देना, ड्यूटी नहीं देना दस्तक का यूज़ करके, तो ये बात कॉन्फ्लिक्ट का वजह बन गई कि बंगाल नवाब का जो बंगाल था उसने कहा कि ठीक है, हम कंपनी को तो अलाउ कर सकते हैं कि हाँ तुम नहीं दो टैक्स, लेकिन जो प्राइवेट तुम्हारे ट्रेडर्स हैं, है ना, जो तुम्हारी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा तुमको। तो ये एक मेन कारण बन गया था लड़ाई का बंगाल में, ठीक।
दूसरी तरफ फ्री मर्चेंट्स आने लग गए इंडिया में, है ना, क्योंकि हर कोई इंडिया आना चाहता था उस ज़माने में। अब वो इंडिया आते थे, आकर के यहाँ पे अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर लेते थे, छोटे मोटे व्यापारी, है ना, और कमाते थे, कमाने लग गए वो यहाँ से। मान लो इंग्लैंड में ले जाके नहीं बेच सकते, वो कहीं और ले जाके बेचते होंगे, कुछ पार्ट इंग्लैंड भी ले जाते होंगे, कुछ और सामान भी ले जाते होंगे इंग्लैंड में चोरी छिपे, है ना। अब ये चीज़ें ना, अब कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है भाई। अगर मान लो पहले 5 करोड़ कमा रहे थे, अचानक अगर मान लो 5 करोड़ में से 1 करोड़ भी कम हो जाए तो इफेक्ट तो लगेगा ही ना उनको। 1 करोड़ उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी, आज भी बड़ी है, बट उस जमाने में तो बहुत ही बड़ी रकम थी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स, और खास करके कुछ एक गवर्नर जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने अपने मर्चेंट जो भी सर्वेंट्स थे कंपनी के, इनको बोला कि तुम इमीडिएट अपना जो भी प्राइवेट ट्रेड चला रहे हो ये सब बंद करो, ठीक है। तो कुछ ने बंद किया, कुछ ने जॉब्स भी छोड़ दी, है ना, कई लोगों ने जॉब छोड़ के अपना काम चालू कर दिया था। आप इंडिगो रिवोल्ट में देखोगे, पढ़ा है आपने कि किस तरीके से लोगों ने छोड़, इंडिगो का बिजनेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था कि लोगों ने सरकारी जॉब छोड़ दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जॉब छोड़ करके अपना इंडिगो का फार्म चलाने लग गए थे, उसी से कमाने लग गए थे। तो उसी तरीके से कई लोगों ने जॉब भी छोड़ दी, बट ये जो आपके फ्री मर्चेंट्स थे, है ना, ये लोग क्या करने लगे, अब कंपनी के सर्वेंट्स के एजेंट बनने लग गए, है ना। अब कई सर्वेंट्स ने जॉब छोड़ी नहीं, उन्होंने क्या किया, इनको बोला कि ठीक है, तुमको हम प्रोटेक्शन भी देंगे, तुम हमारा काम भी करो, अपना भी काम करो, हमारा भी काम करो। तो ये एजेंसी हाउस टाइप में बन गए, है ना। और 19th सेंचुरी के लास्ट में बहुत सारे एजेंसी हाउसेस, मैनेजिंग एजेंसीज, इनको मैनेजिंग एजेंसीज कहने लग गए थे, एजेंसी हाउसेस को, ये खुल के आ जाते हैं सामने में। अब ऊपर से इंग्लैंड में भी जो मोनोपोली का था प्रिविलेज ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर भी अटैक हो रहा था लगातार, क्योंकि एडम स्मिथ करके इकोनॉमिस्ट ने 1776 में मोनोपोली के अगेंस्ट बहुत कुछ लिखा था, है ना। और इसी को देखते हुए कैपिटलिस्ट जो थे वहाँ के, है ना, वो लगातार दबाव बना रहे थे गवर्नमेंट पे कि आप इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है वो आप हटाओ, ये अगेंस्ट है किसी भी तरीके की ग्रोथ के लिए, है ना। तो फिर गवर्नमेंट को दबाव में आकर के चार्टर लाना पड़ा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिससे कि अबॉलिश हुआ मोनोपोली इंडियन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद 1833 में एक और चार्टर आता है जिससे कि कंपनी का मोनोपोली हटा दी गई चाइना के ट्रेड पे भी, ठीक। तो लगभग लगभग 200 सालों तक कंपनी ने कहीं ना कहीं मोनोपोली को एंजॉय किया, और 200 साल बाद जा करके ऑलमोस्ट कंपनी का आपका वो खत्म होती है मोनोपोली, ठीक है। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, अभी आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द कंपनी ट्रेड वगैरह, फर्दर जो टॉपिक्स हैं आपके, नेचर ऑफ कंपनी ट्रेड, मर्केंटाइल बिजनेस एंड पॉलिटिकल पावर, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।